2018 की ग्रेट सक्सेस के बाद Realme एक बार फिर से 2019 में अपना किलर बजट स्मार्टफोन Realme A1 के नाम से लेकर आने वाली है। इतने कम बजट रेंज में आपको इतना बेटर स्पेसिफिकेशन शायद ही आज तक किसी स्मार्टफोन में देखने को मिला होगा। तो हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय सब्सक्राइबर एंड फ्रेंड्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ये मेरी 2019 की पहली वीडियो है, वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बट चलिए इस बातों को छोड़ते हैं और इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको इस स्मार्टफोन के सभी फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के बारे में। Realme A1 Realme का अब तक का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन हो सकता है। अपने प्राइसिंग के हिसाब से यह स्मार्टफोन काफी स्मार्टफोन को किल कर देगी लॉन्च होते ही। इस स्मार्टफोन की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले मैं इसकी बॉडी के बारे में बता देता हूँ। इस स्मार्टफोन में आपको एक प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलेगा, कोई भी मेटल का यूज देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही में इसमें आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। पर फिर भी यह स्मार्टफोन सभी स्मार्टफोन कंपनियों के स्मार्टफोन को किल कर देगी। उसका रीजन यह है कि यह स्मार्टफोन बहुत ही कम प्राइस में लॉन्च की जाएगी। बात करते हैं इसकी डिस्प्ले साइज की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.2 इंच की HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसका रेजोल्यूशन 720x5020 पिक्सल्स का होगा। साथ ही में यह स्मार्टफोन वाटरड्रॉप नॉच के साथ लॉन्च की जाएगी, सेम टू सेम Realme 2 Pro एंड Realme U1 की तरह, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जिसमें आपको काफ़ी स्क्रीन यूजेस देखने को मिल जाएगा। साथ ही में इसमें बेजल्स बहुत कम होने वाले हैं। अगर बात करें इसके बैक में, तो इसके बैक में आपको डुअल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। प्राइमरी 13 मेगापिक्सल का होगा एंड सेकेंडरी डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज किया जाएगा, जिससे आप पोर्ट्रेट फोटोज ले सकेंगे। साथ ही में उसके नीचे में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा और इसके फ्रंट साइड में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर देखने को मिलेगा, जो कि आपकी पिक्चर क्वालिटी को काफ़ी अच्छी रखने वाली है। अगर आप सेल्फी लेते हैं तो आपकी पिक्चर क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर मेन आती है इसके सेलिंग पॉइंट की बात, तो इसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो काफ़ी दमदार प्रोसेसर है अभी के हिसाब से। इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek के Helio P70 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है और इस प्राइस रेंज में यह प्रोसेसर सिर्फ यही कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, जो कि 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। इस जबरदस्त प्रोसेसर से आप काफ़ी अच्छी मल्टीटास्किंग कर सकेंगे और आपको कोई भी लैग का प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही में इसमें आपको बहुत अच्छी ग्राफिक्स देखने को भी मिलेगी, क्योंकि इसमें मालिक के G72 का GPU देखने को मिलेगा, जो कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी इम्प्रूव कर देगा। बात करें इस स्मार्टफोन के OS की, तो इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो का सपोर्ट देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, एंड उसके बाद में आप अपग्रेड कर सकेंगे एंड्रॉयड 9.1 पाई के साथ। स्टोरेज वेरियंट की बात करें, तो यह स्मार्टफोन दो वेरियंट में लॉन्च की जाएगी, 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ एंड 3GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। लेकिन जो प्राइसिंग रखी जाएगी वो बहुत ही शानदार रखी जाएगी। अगर बैटरी की बात करें, तो इस स्मार्टफोन में आपको 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि आपके पूरे दिन की एक्टिविटी को आराम से हैंडल करेगी। बात करें लॉन्च डेट की, तो यह स्मार्टफोन जनवरी 2019 यानी इस महीने में लॉन्च कर दी जाएगी, या आपको फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक ये स्मार्टफोन लॉन्च कर दी जाएगी। और कलर वेरियंट की बात करें, तो यह स्मार्टफोन दो वेरियंट में लॉन्च की जाएगी, एक ब्लैक एक येलो। Realme कंपनी का पर्पस इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने का भी यह भी है कि Realme C1 एंड Realme U1 के बीच एक किलर मिड रेंज स्मार्टफोन देने का है। यह स्मार्टफोन Redmi और दूसरे कंपनीज को काफी अच्छा टक्कर देगी। और फाइनली आते हैं प्राइसिंग की बात, इस स्मार्टफोन की 2GB एंड 32GB वेरियंट जो होगी उसकी प्राइसिंग 6999 रुपीज हो सकती है, एंड 3GB 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जो आएगी उसकी प्राइसिंग 7999 रुपीज हो सकती है, जो कि इस स्मार्टफोन के सेलिंग का मेन पॉइंट हो सकता है इसकी प्राइसिंग। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। फाइनली यही कहूँगा, लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।